बालूट निवासी गोपाल उर्फ पप्पू जवारी विसर्जन कराने के दौरान शिप्रा नदी के दसवें घाट पर शिप्रा में डूब गया था, जिसे पुलिस प्रशासन एवं रतलाम जिले की एनडीआरएफ टीम ने 48 घंटे बाद राजस्थान की सीमा से ढूंढ निकाला है। आलोट थाना प्रभारी नीरज सारवान ने जानकारी देते हुए बताया कि आलोट से करीब 30 किलोमीटर सेवापरा संगम के करीब राजस्थान की सीमा में लाश तैरती हुई नजर आई थी। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को घाट पर लाया गया। ज्ञात हो कि दो दिन पूर्व पानी का बहाव अत्यधिक होने के कारण शव बहकर करीब 30 किलोमीटर दूर पहुंच गया। सिविल हॉस्पिटल आलोट में स्थानीय कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति के बाद पीएम किया गया। पीएम के बाद शव परिवार को सौंपा गया। संवाददाता जीतू वरोला, रेड 9 न्यूज, आलोट। 24 घंटे ऊपर हो चुके थे। हमारा दिन रात हम लाशें निकालते हैं वहाँ पे। हमारे मच्छी के दो चार जने, 10 जने करीबन थाने में भी नाम देते पहले हमने मच्छी गोतों के लिए। इसलिए हमारे को मालूम पड़े कि मच्छी आगे कल पानी गिरा था। कल पानी गिरने के बाद 24 घंटे ऊपर हो चुके थे लाश निकालने, तो हमारे को मालूम पड़ गई थी कि आगे निकल गई वो लाश। इसलिए हमारे को जैसे हम वहाँ पे गए तो कुछ सूत्रों के कारण मालूम पड़ी कि एक लाश बह के इधर गई है। दसवा घाट उस टाइम पे वो गोताखोर थे तो उन्होंने बस संपर्क था कि आप कहाँ पहुँचे। हम दो जने थे, कालू राम जी और राजू खार। वो गोताखोर वाली टीम से बात हुई थी, उन्होंने हमने रस्सी ली थी, एक ट्यूब लिया था कि कभी आप लेट हो जाओ तो हम निकालने के लिए तैयार हो जाएंगे। 16 तारीख को गोपाल सोनी, जिनको घर का नाम पप्पू भी है, इनके भाई ने आके रिपोर्ट की थी कि साहब ये दसवा घाटा पे दो तीन बच्चों के साथ में, और वो खुद भी गए थे, ये दोनों भाई गए थे, और वहाँ पे उनके पैर फिसलने से अंदर पानी में चले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने पर हुई थी। वो विसर्जन का घाट नहीं था जहाँ और गए थे, वो नहाने गए थे चलो उद्देश्य, और कुछ ज्वारे वगैरह भी थी ऐसा बता रहे हैं। तो फिर उसकी रिपोर्ट लिखने के बाद हम लोगों ने तलाश की, एसडीआरएफ टीम को बुलाया, लोकल गोताखोर भी की भी तलाश ली और उनकी भी मदद ली हमने, और लगातार उसी दिन से प्रयास रात में भी जारी रहे, सुबह भी जारी रहे। इसकी सूचना एसडीएम साहब को, वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक महोदय को भी दी गई, और आज हमको जो है सुबह सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि पहले ताजली तरफ देखा जाए तो ताजली में भी हम लोगों ने अभियान किया एसडीआरएफ टीम के साथ में। उसके बाद छिपावर तरफ जो है हमने जो लोकल गोताखोर थे उनको भेजा था, जिनका नाम राजू है और एक कालू है, वो लोग भी गए थे डोंगी से, वो लोग भी तलाश कर रहे थे। जो संगम वाला घाट है काफ़ी दूर है, लगभग राजस्थान का बॉर्डर लग जाता है वहाँ। फिर हमें लाश मिली जिसको आइडेंटिफाई परिवार वालों ने किया आके कि हाँ ये वही है। उसके बाद उन डेड बॉडी को लेकर अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाए और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है।